आरसीए एजुकेशन हब की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी में वर्ण विचार टॉपिक पढ़ेंगे। वर्ण की परिभाषा, ये वर्ण कहते किसको है, वर्ण होते कितने हैं, मेन जो भाषा में वर्ण ही होते हैं। वर्ण की परिभाषा, भाषा की वह, पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन समझा देती हूँ। भाषा की वह सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना किए जा सकते हो उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े न किए जा सकते हो क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। जैसे सभी जो वर्ण, जो भाषा के जो अक्षर होते हैं, जिन्हें हम अक्षर भी बोलते हैं, वो क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। और जो वर्ण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, या वर्णों के दो भेद हैं। पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। अब हम पढ़ेंगे स्वर वर्ण के बारे में कि स्वर वर्ण होते क्या है। जो स्वर वर्ण होते हैं वो एकदम स्वतंत्र होते हैं, वो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं। और जो स्वर वर्ण होते हैं वो, उनकी संख्या 11 होती है और इनके भी दो भेद होते हैं। स्वर वर्ण वे वर्ण जो बिना किसी दूसरे वर्ण और जो स्वर्ण है संख्या 11 होती है। स्वर्णों की संख्या 11 होती है। ये स्वर और जो 11 के भी दो भाग होते हैं, एक ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। जो स्वर होते हैं इसकी दो भेद होते हैं। स्वर और दीर्घ दीर्घ। अब जो ह्रस्व स्वर होते हैं, यानी ह्रस्व स्वर हम कहते हैं इसको, ह्रस्व स्वर को बोलने में अपेक्षा करते उच्चारण करने में कम समय है। जो दीर्घ स्वर होते हैं उनको, उनके उच्चारण करने में जो ह्रस्व स्वर होते हैं अपेक्षा दुगना समय लगता है, ज्यादा समय लगता है। वैसे हमें नामों से पता चलता है ह्रस्व छोटा हो दीर्घ, वो
ये होते हैं की सहायता, यानी कि
ये क्या है व्यंजन। आज की क्लास यही था।